हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जहां एमबीए करने की पूरी दो साल की फीस सिर्फ दो लाख रुपए है और जहां का एवरेज पैकेज तीस लाख के ऊपर जाता है कि वो आई आई एम्स को टक्कर देता है प्लस जहां पर एकेडमिक वेटेज बहुत कम है तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इट इज़ कॉल्ड एफ एम एस डेली एफ एम एस के बारे में वैसे इतनी ग्लोरियस इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं थी बिकॉज सारे एम बी एस को एफ एम एस के बारे में पता ही होता है लेकिन ये सीरीज क्यों बनाई जा रही है क्योंकि इतने सारे बी स्कूल्स हैं सब में सिलेक्ट होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग तो आई थॉट एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें ये तीनों चीज़ें क्रिस्पली एक्सप्लेन हो सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद दिस वीडियो लेकिन अगर आप ऐसी ही वीडियो बाकी के आई आई एम्स बाकी के कॉलेजेस के लिए भी चाहते हो देन डू गिव मी योर फीडबैक सबसे पहला एलिजिबिलिटी यानी कि एफ एम एस में दो साल के एम बी ए प्रोग्राम के लिए क्या क्या कंडीशन हैं तीन बहुत बेसिक कंडीशन हैं सबसे पहले आपको अपने स्कूल के बारह साल कंप्लीट करने हैं दैट्स योर फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल सेकेंड

कंडीशन में था ना कि फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है अगर आपके मार्क्स फिफ्टी परसेंट से कम भी हैं ग्रेजुएशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दी ओनली कंडीशन इज कि जब आपकी एडमिशन होगी उस समय जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब आपकी वो कंडीशन मीट होनी चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स वाली तो बस ये तीन छोटी सी कंडीशन है अगर आप इनको मीट करते हो तो आप कंग्रेचुलेस के लिए एलिजिबल हो सेकेंड थिंग इज सीट्स एंड यानी कि कितनी टोटल सीट्स है कैसे उनकी बाइफेशन है और इसको क्लियर करने के लिए आपको कैट एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए तो एफ so में टोटल सीट्स थी टू लास्ट ईयर जिसमें से हंड्रेड सीट्स जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए थी और बाकी की जो सीट्स की बाइफोकेशन है वो मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रही हूँ आप पॉज के एक एक को चेक कर सकते हो इसके बाद आती है बाद. तो है। है, की बात। तो एग्जाम 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 ओनली जो एक्सेप्ट करता अगर आपको आपको में जाना है, आपको cat लिखना ही पड़ेगा उसके बिना एडमिशन नहीं होती है। है, और उसमें जो जाती है, वो जनरल कैटेगरी की 98 से 99 के ऊपर रखना आपके बाकी भी सिक्योर हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस पॉइंट पे याद रखनी चाहिए वो ये कि कैट एग्जाम में आप जितना मर्जी स्कोर कर लो अगर आपने एफ के लिए सेपरेटली अप्लाई नहीं किया तो आपको उसके लिए कॉल नहीं आता दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट तो मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करती हूँ जनरली जो आई आई एम्स होते हैं उनके लिए आपको सिर्फ कैट का फॉर्म भरना होता है एंड ऑटोमेटिकली आपको आई आई एम से कॉल आ जाती है लेकिन एफ एम एस ऑल दो आई आई एम जैसा ही एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है लेकिन उसके लिए आपको पहला फॉर्म कैट का भरना होता है जो कि अगस्त के महीने में ओपन होता है और दूसरा फॉर्म आपको एफ का भी भरना होता है सेपरेट ली उसकी फी भी सेपरेट होती है बट नॉमिनल अमाउंट होती है लेकिन एफ एम एस का फॉर्म आपको सेपरेटली भरना पड़ता है वो भी कब कभ, कभी कभी वो एग्जाम से पहले फिलअप होता है और कभी कभी वो कैट एग्जाम के बाद फिलअप करना होता है सो प्लीज रिमेंबर कि आप एफ के फॉर्म को ट्रैक जरूर करना जैसे ही वो अनाउंस हो कि द फॉर्म आर आउट यू हैव टू फिल इट अभी आप कैसे ट्रैक करोगे से चेक करोगे उसके लिए मैं आपको एक रिसोर्स रिकमेंड कर देती हूँ इट्स एबसलूटली फ्री एंड देव ऑल्सो स्पॉन्सर्ड टू डे विडियो विच इज स्टडी स्टडी बजटीब एक कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है जिनका एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो ये इनफैक्ट एम के पूरे इको का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है

बी स्कूल्स है उनके बारे में इनफॉर्मेटिव वीडियोस भी अवेलेबल है और जो रिवीजन सीरीज के बारे में मैं आपको बता रही थी वो इलेबोरेट फॉर्म में इस एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे सो वट आई वुड सिंपली रिकमेंड टू यू कि क्योंकि ये बिल्कुल फ्री टू वॉच है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी सो यू कैन डू दैट एंड इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि एफ का फॉर्म कब आउट हुआ है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया शॉर्टलिस्टिंग का मतलब मैंने आपको पिछले एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था जहां मैंने बताया था कि किसी भी आई या अच्छे बी स्कूल में एंटर करने की तीन स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है शॉर्टलिस्टिंग शॉर्टलिस्ट होने का मतलब होता है कि आपको उस कॉलेज ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया है एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एफ एम एस बिकॉज उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम के मार्क्स को कंसिडर करता है तो अगर मान लो एफ एम एस को अपने इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को कॉल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कैट के मार्क्स देखेंगे उसमें भी तीनों सेक्शन को वो अलग अलग वेटेज देते हैं वी आर सी को फोर्टी परसेंट डी आई एल आर को थर्टी और क्वांट को भी थर्टी ये मार्क्स निकालने के बाद उनके फाइव एडिशनल पॉइंट्स होते हैं फॉर फीमेल कैंडिडेट्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन बी स्कूल्स। सो उसके बाद वो एक लिस्ट बनाएंगे उन कैंडिडेट्स की जिनके टॉप मार्क्स हैं बेसिस कैट स्कोर प्लस अगर जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स है तो उनको ऐड करने के बाद एंड दैट इज इट ना कोई सेक्शनल कट ऑफ है यानी कि बी में कोई मिनिमम स्कोर इतना चाहिए ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है ना ही आपकी अकेडमिक कट ऑफ है आपके टेंथ में ट्वेल्थ में कितने मार्क्स चाहिए इसकी कोई कंडीशन नहीं है ना ही कोई वेटेज है इन द शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज अगर आपको एफ के इंटरव्यू के लिए बैठना है ओनली थिंग दैट यू नीड इज टू स्कोर वेल इन एग्जाम दैट इज इट द फाइनल पॉइंट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी कि अगर हम एफ के इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं अब हम सिर्फ एक स्टेप दूर हैं अपनी मंजिल से तो उस समय क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे और उनकी क्या वेटेज होगी इंटरव्यू के दौरान तीन प्रोसेस होते हैं सबसे पहले होता है एसओपी डिस्कशन जब आप एफ का वो फॉर्म फिलअप करते हो ना जो सेकेंड फॉर्म आप फिलअप करते हो उसमें एक आपको एस लिखनी होती है एस का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यानी कि आप एफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो जब आपका इंटरव्यू होता है उस समय वो एक छोटा सा सेक्शन रखते हैं जहां पे वो उस एसओपी की डिस्कशन करते हैं दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस द सेकंड थिंग दैट हैपेंस इज एन एक्सटेम्परी कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा ऑन द स्पॉट जिसके ऊपर आपको कुछ मिनट के लिए बोलना होता है तीसरी चीज होती है आपका पर्सनल इंटरव्यू जिसमें वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके अकेडमिक्स के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपकी क्या वैल्यूज हैं आप क्यों एम करना चाहते हो एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अब ये तीन कॉम्पोनेंट होते हैं उस दिन जब आपका इंटरव्यू होता है और बाकी के कॉम्पोनेंट्स भी थे जैसे आपके कैट एग्जाम का स्कोर आपकी जेंडर डाइवर्सिटी आपके टेंथ ट्वेल्थ के मार्क्स तो उनकी भी अलग अलग वेटेज है तो सबसे पहले आपका जो ये कैट एग्जाम का स्कोर है प्लीज नोट कि यहाँ परसेंटाइल की बात नहीं हो रही यहां उसी वेटेड स्कोर की बात हो रही है जो आपके स्टेज वन में काउंट हुआ था यानी कि फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट मिला के जो स्कोर आया होगा उसकी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट वेटेज है इन स्टेज। उसके बाद आता है टेंथ के मार्क्स आपके टेंथ में अगर 60 से परसेंट से बीच में मार्क्स थे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर 75 परसेंट के ऊपर थे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलते हैं मैक्सिमम उसकी 10 परसेंट वेटेज ही है सिमिलरली ट्वेल्थ में भी अगर आपके 60 टू 75 थे तो 5 And अगर 75 के ऊपर थे तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे इसमें भी मैक्सिमम 10 है और अब ये जो बाकी के कॉम्पोनेट्स मैंने आपको बताए थे उसमें SOP के, discussion के 10 points, temporary है उसके 5 and final जो interview round होगा, उसके 5% जो होगा 15% तो ये जो पूरा प्रोसेस उस दिन होता है उसके ऑलमोस्ट थर्टी मार्क्स है इसके अलावा इस स्टेज पे भी फाइव पॉइंट मिलते हैं फीमेल कैंडिडेट को टू प्रमोट डाइवर्सिटी अब इस पूरे में आपको क्या चीज समझ में आती है 50% कैट के मार्क्स ट्वेंटी परसेंट सिर्फ आपके अकेडमिक्स के मार्क्स वो भी टेंथ और ट्वेल्थ ग्रेजुएशन का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे, और जो इंटरव्यू राउंड है उसके थर्टी परसेंट मार्क्स यानी कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ कैट में अच्छा स्कोर कर लेते हो प्लस इंटरव्यू में डिसेंट परफॉर्म करके आते हो तो भी यू कैन गेट इन टू दिस इंस्टीट्यूट जिसकी प्लेसमेंट्स और जिसका कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टू आई आई एम्स है आई टोटली गेट इट कि यहाँ पर एंटर करने के लिए सिर्फ हंड्रेड जनरल सीट्स हैं या टू फिफ्टी ओवरऑल सीट्स हैं सो so बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कहना आसान है एंटर करना मुश्किल है बट अगर तैयारी कर ही रहे हो तो ऐसे इंस्टीट्यूट को टारगेट करो जब कोई भी कहता है ना कि हमारे अकेडमिक मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं तो आई वुड दो से कि इससे बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके लिए टू एम फॉर दिस इंस्टीट्यूट एंड ऑल यू नीड इज एक्चुअली स्कोरिंग मोर देन 98 और 99 नाइन परसेंट आई कैट एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर इंटरव्यूज दैट इज इट and that will seal the deal for you to get into an institute like FMS. So this is all about making it to FMS. If you like this video, do give it a thumbs up so that it reaches to many more students like you. And अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, एक फीडबैक जरूर देना मुझे. अगर आप मेरी IIM Ahmedabad पहुंचने की जर्नी देखना चाहते हो, then do check out this video. I'm sure it will also inspire you. Thanks for watching this, guys.